शिवसेना के प्रवक्ता द्वारा फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को मुंबई में आने पर दी गई धमकी के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शिवसेना नेताओं से नसीहत दी है। विज ने कहा कि मुंबई शिवसेना का खानदानी प्रदेश है या फिर उनके पिताजी का प्रदेश है। मुंबई भारत का हिस्सा है और कोई भी वहां पर जा सकता है। जो इस प्रकार की धमकियां देते हैं उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। आप किसी का गला नहीं दबा सकते, आप किसी को सच बोलने से रोक नहीं सकते। वैसे तो मोमबत्ती ब्रिगेड बात बात पर सड़कों पर आ जाती है, इस मामले में अभी तक क्यों चुप है और अपने मेडल क्यों वापस नहीं कर रहे। वहीं विज ने कहा कि कंगना रनौत को सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए और जो वह करना चाहती है वह उसे करने की इजाजत मिलनी चाहिए। बॉम्बे शिवसेना रनौत के कोई खानदानी प्रदेश है क्या? उसके पिताजी का प्रदेश है क्या? भारत का हिस्सा है, कोई भी उसमें जा सकता है। और इस प्रकार के लोगों को जो इस प्रकार की धमकियां देते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप किसी का गला थोड़ा दबा सकते हैं, आप किसी को सच बोलने से थोड़ा रोक सकते हैं। वैसे तो बात बात में मोमबत्ती ब्रिगेड सड़कों पर आ जाती है, तो इस मामले में ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? इस मामले में अपने मेडल वापस क्यों नहीं कर रहे? उसको रोकने से बोलने से रोका जा रहा है। कंगना रनौत का कहना है कि महाराष्ट्र की जो मौजूदा सरकार है, कुछ अभिनेता जो हैं वो ड्रग्स के अंदर शामिल है और मैं उसका खुलासा करना चाहती हूँ, सरकार मुझे सुरक्षा दे। कंगना रनौत को बिल्कुल सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए और जो भी वो रेवलेशंस करना चाहती हैं उसको फ्रीली, हिंदुस्तान एक आज़ाद देश है, उसको फ्रीली उनको व्यक्त करने की इजाज़त मिलनी चाहिए।